दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी अभी इसके पहले हम एक और वीडियो लाए थे वोटर कार्ड के रिलेटेड, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी का ई कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि हमें ओरिजिनल वोटर कार्ड मंगाना है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? तो हमें NVSP पोर्टल उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम उस वेबसाइट पर जाकर बहुत ही आसानी से PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं वीडियो में। जैसा कि हमें लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपको अपना यूजर आईडी एंटर कर लेना है और आपके द्वारा गया पासवर्ड जो भी होगा उसे भी एंटर कर लेना है और यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर, जैसा कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में आ जाना है। यहाँ पे लिखा है वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। यहाँ से हमें फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स, तो हम सेल्फ का डिटेल्स देने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने फॉर्म 8 खुलकर आ चुका है। हमें इसे प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, जो कि वो आपका होगा आधार कार्ड। तो यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट्स सब फिलअप ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद आपको अपना यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके पास ईमेल है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इश्यू न्यू एपिक, मतलब ये आप नया वोटर आईडी क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, लॉस्ट, डिस्ट्रॉय या मल्टीलेटेड। तो आपको लॉस्ट ऑप्शन वाले पे जाना है और यहाँ पे ब्राउज करना है। यहाँ पे ब्राउज करना है और यहाँ पे जो हमारी पुरानी वाली वोटर आईडी होगी उसे हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा आपको अपना पुराना वाला वोटर आईडी। जैसा कि हम अपने पुराने वाले वोटर आईडी को देखते हैं कहाँ पर है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपनी पुरानी वाली वोटर आईडी को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप जिस भी प्लेस से अपने वोटर आईडी को ऑर्डर करवा रहे हैं उस प्लेस का नाम डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करते ही आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि देख सकते हैं प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुल के हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। तो इसको आप प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं और या तो और इसको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने डिटेल्स पूरी अच्छी तरीके भर ली, इसको जांच करनी बहुत जरूरी है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा 10 या 15 सेकंड का लोडिंग होगा। उसके बाद आपके सामने अक्नोलेजमेंट फॉर्म खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपको आपकी रेफरेंस आईडी भी मिल जाती है और आपने वहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको मैसेज के थ्रू भी आपको रेफरेंस आईडी दे दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से आप अपनी PVC ऑर्डर कार्ड वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करा सकते हैं। तो PVC वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।